थाईलैंड इंडोनेशिया वगैरह पे देखा होगा V3 पे लगाते हुए। वाओ, सो ये बाइक के पीछे जस्ट इमेजिन कीजिए, ये लगा हुआ है आपके R15 V3 के पीछे। जू तिनाली एंड पिलियन राइड एंजॉय करते हुए ड्यूक 125 पे। सो आज जो है जा रहे हैं, बताया नहीं आपको कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं बाइक एक्सेसरीज की दुकान, एंड सुनने में आया कि बहुत सारा नया स्टॉक आया है, बहुत कुछ नया सामान आया है। सो चलिए चेकआउट करते हैं, और पहुँचने वाले हैं हम लोग। एक दिख रहा है बेनेली 300। ऊपर चढ़ा दूँ? जी जी ऊपर चढ़ा दीजिए, बिल्कुल ऊपर चढ़ा के फुटपाथ से हटवा दीजिए बस। तो हम पहुंच चुके हैं नट्स एंड बोल्ट्स। सो फाइनली जो है पहुंच चुके हैं ड्यूक 125 की सवारी करते हुए, एंड नाउ वी आर इन नट्स एंड बोल्ट्स। अरे की खबर? हेलो वाले। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो अभी जो है हम बड़े कैमरा पे शूट कर रहे हैं, सो गोप्रो से आ गए ZV-1 पे। सो अभी जो है हम लोग जू तिनाली में एंड नट्स एंड बोल्ट्स पे है। हाल फिलहाल में पीछे रैपिंग का भी स्टार्ट हो गया है, एंड यहाँ पे वर्कशॉप भी है, एंड पीछे एक्सेसरीज का दुकान भी है। सो पहले बस यही हुआ, सर्विस हो जाएगा, यहाँ पे रैप हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्सेसरीज। सो चलिए एक सिनेमेटिक शॉट्स देखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा आर्ट वर्क बनाया हुआ है, पीछे पे देख रहे हैं ऊपर नीचे चारों तरफ खूबसूरत आर्ट वर्क बनाया हुआ है। सो चलिए आर्ट वर्क का एक बीरोल देख लीजिए, उसके बाद हम अंदर जाएंगे एंड विल चेक आउट द स्टॉक। बाइकर्स के ऊपर एंड सेव द नेचर इनका जो है मोटो है। सो चलिए पहले इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं। ये है बॉडी माउंट जो इंडिकेटर्स आते हैं ट्रायंगल शेप पे, ये अलग टाइप का है। फिर देखिए ये जो है ये भी अलग टाइप का है, ये देखिए ये भी अलग टाइप का है। तो बहुत ही यूनिक सामान है। ये वाला जो बैंडिडोस वगैरह पे आप लोग देखते हैं वो यहाँ ऑफलाइन मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मिल जाएगा ये सारा सामान ऑफलाइन। यहाँ पे देखिए ये भी फिर एक दूसरे टाइप का है। फिर ये देखिए ये जो KTM स्टाइल इंडिकेटर्स, बट KTM वाले जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सो ये कंसिडरेबली बहुत चीप है। कंसिडरेबली, आई एम सो सॉरी, मेरा जो है टंग स्लिप कर गया। सो सारा देख सकते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर्स ही इंडिकेटर्स है। ये फिर अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स है, एकदम यूनिक वाले हैं। तो ये सब सामान देखिए आप। ये वाला मेरा है पर्सनल फेवरेट, ये अच्छा लगा मेरे को। इसका जो है इस तरीके से एक लाइट जलता है, ये ऑल टाइम जलता रहता है, और ये बीच वाला जो है इंडिकेटर है। ये देखिए ये है R1 मास्क कहते हैं इसे, R15 V3 के लिए आता है। ऑलरेडी इस पे लाइट्स जो है पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, एंड ये V3 में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये आपने थाईलैंड इंडोनेशिया वगैरह पे देखा होगा V3 पे लगाते हुए। सो ये वाला सामान जो है यहाँ आपको मिल जाएगा। जो है सारा एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का सामान। तो एक एक करके एग्जॉस्ट दिखाते हैं आपको। पहले ये है एक्रोपोविच डबल बैरल है ये, एंड सारा का सारा जो एग्जॉस्ट है ये आता है DB किलर के साथ। सो पुलिस का कोई इशू नहीं है, डेसिबल का जो है मेजर्स आप DB किलर लगा के कम कर दे, जब आपको लाउड चलाना हो आप लाउड चलाएं। सो सारा यहाँ है एग्जॉस्ट, एंड आपको जो दिखाया रॉयल इनफील्ड फैंस, यहाँ है ग्रूस वॉक। सो जो RE चलाते हैं आपने तो सुना ही होगा ग्रूस वॉक। सो इसका जो है सारा ये लोग स्पेशलाइज्ड है रॉयल इनफील्ड के एग्जॉस्ट में। सो ये ग्रूस वॉक के अलावा भी ये सब कुछ और भी वेराइटीज़ मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया सारा इंडिकेटर का लाइनअप, मिनिमम 20-30 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर ही है यहाँ पे। ये देखिए ये फिर एक दूसरा वाला है, फिर ये देखिए ये फिर दूसरे स्टाइल का है, ये फिर दूसरे स्टाइल का है, ये दूसरे स्टाइल का है, ये दूसरे स्टाइल का है। तो जो चाहिए मिल जाएगा आपको यहाँ पे। है मॉक्सी लीवर्स, मॉक्सी का सारा लीवर्स है, रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। सो चलिए अभी भैया से बात करते हैं थोड़ा सा।
तो भैया नए माल में क्या है अभी, आप ही बताइए। अभी ये आपको मिल जाएगा R15 का तेल। ओ माय गॉड, ये देखिए ये क्या है, R15 V3। ये हमने खाली आज तक, मैं सही में कहता हूँ, मैंने इसको बस ऑनलाइन ही देखा है, अभी तक मैंने ये ऑफलाइन नहीं देखा, एंड आज फर्स्ट टाइम मैं इसे देख रहा हूँ। भैया जला के दिखा पाओगे क्या आप ये वाला? हाँ पॉसिबल है, ठीक है एक मिनट दिखा रहा हूँ। ओके तो इसको जला के दिखाते हैं, तो भैया को सेटअप करने देते हैं। और अच्छा सेटअप यहीं पे है सारा, हो जाएगा। ये है V3 का टेल लैम्प। हाँ इसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स भी है ना, इंडिकेटर विथ इंडिकेटर। ये है टेल लैम्प R15 V3 के लिए, LED है ये, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही धांसू लग रहा है। ये देखिए इंडिकेटर इसका जल रहा है अभी, वाओ। सो ये बाइक के पीछे जस्ट इमेजिन कीजिए, ये लगा हुआ है आपके R15 V3 के पीछे, कितना बढ़िया लगेगा ये। तो भैया इसका ऑलमोस्ट कैसा प्राइसिंग पड़ जाता है, इसका एक अप्रोक्स बता दीजिए, क्योंकि आप लोग आएंगे तो ऑब्वियसली आप लोग के हिसाब से आपका आएगा 4500 का एक आएगा, एक 5500 का एक आएगा। अच्छा ये दोनों डिफरेंट है ना? हाँ दोनों डिफरेंट। कौन सा वाला 4 का है, कौन सा वाला 5 का? ये 5 का है, ये 4 का है। अच्छा ये जो है 45 में आएगा, ये जो है 55 में आएगा, दोनों का पैटर्न जो है कम्प्लीटली अलग है, डिजाइन दूसरा है। हाँ दूसरा डिजाइन है, ये देखिए इसमें इंडिकेटर इस तरीके से है, इसमें जो है ये साइड वाली पट्टी है। ये वाला एक दिखा दीजिए भैया एक बार, ये वाला देख लेते हैं। ये 45 का ना? ये वायरिंग करने के बाद जलेगा। अच्छा 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 अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं जला सकते। ओ ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट प्लग इन है। हम लोग हाँ, ये इसमें सॉकेट नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग वायर बैटरी से लगा के चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें वायर सॉकेट में लगा हुआ है, तो हम लोग इसमें वायर नहीं डाल सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉकेट खराब हो जाता है। ओके ओके ओके, लाइक फिटिंग भी आप लोग ही कर देंगे ना? हाँ फिटिंग बिल्कुल बिल्कुल, सारा फिटिंग वगैरह सामान खरीद के, फिटिंग करने से लेके सारा सामान यही हो जाएगा, सर्विसिंग तक हो जाएगा अभी, क्योंकि ये पुराना नट्स एंड बोल्ट्स नहीं है। अब यहाँ बस एक नहीं, अब जो है बगल के दो दुकान भी हमारे ही है, यहाँ सर्विस सेंटर भी आ गया है, यहाँ रैप का भी है। सो फैंटास्टिक, वन स्टॉप शॉप कहते हैं ना, तो ये जो है बाइकर्स के लिए वन स्टॉप शॉप है। एंड यहाँ ROT भी है, ROT के चैनल पे भी आने वाला है, क्योंकि ROT ने भी बनाया है वीडियो। सो चेकआउट ROT व्लॉग्स ऑन यूट्यूब। अच्छा सो ये है फर्स्ट कॉपी IXIL डबल बैरल के साथ, एकदम डबल बैरल वाला है, बहुत ही खूबसूरत। ये है डबल बैरल एग्जॉस्ट, ये भी है। एंड ये है लियो विंसी। ओ ये तो आई गेस हाई सीसी के लिए है ना, हाई सीसी बाइक्स के लिए है। एंड बहुत एग्जॉस्ट का तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, एग्जॉस्ट का ऑप्शन है, ये आप देख लीजिए, टेल टाइडी का ऑप्शन है। ओए 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 सॉरी सॉरी सॉरी, तोड़ना फोड़ना नहीं है सामान। यहाँ पर भी टेल टाइडी का ऑप्शन है। अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये टेल टाइडी जो है यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ पे है टेल टाइडी, और यहाँ देखिए और एक इंडिकेटर, हार्ट बीट शेप में ये तो। एंड यहाँ पे है धांसू हेलमेट्स, ये है राइडेक्स SMK, राइडेक्स XOR LS2 एंड ये है SMK। कोरोना के टाइम पे राइड कर रहे हैं वो भी बिना मास्क, तो ले लो एक ऐसा वाला बेलेंक्लावा, हेलमेट के अंदर आपको स्वेट से भी बचाएगा, एंड ये जो है मास्क टाइप का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठंडे प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, ठंडे से भी बच जाएंगे, कोरोना से भी बच जाएंगे। सो ये सब भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ता है। सो ये सब ऑफलाइन मिल जाएगा। यहाँ देखिए फॉग लाइट्स का जो है वेराइटीज देखिए आप, यहाँ पे है एकदम खतरनाक खतरनाक पावरफुल, ये जो टूरर्स है उनके लिए ये बहुत ही काम का है। सो आप लोग अगर टूरिंग वगैरह करते हैं, बुलेट्स पे जो लाइट वगैरह लगाना है सारा मिल जाएगा यहाँ पे। और ये सब में आएगा कि ये व्हाइट लाइट है, यहाँ पे येलो लेंस आएगा, ये लगा लेने से ये फॉग लाइट का भी काम करेगा। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें मेरा और डिजाइन आएगा, स्क्वायर में भी आ जाएगा ये। अच्छा सेम थिंग बट डिफरेंट शेप। सामान तो मेरे पास। सो भैया वहाँ तिजोरी खोलते हुए, तिजोरी से निकाल रहे हैं नए नए सामान। सो ये नया नया सामान अगर पर्सनली देखना हो ना, ये सब है, तो आ जाना यहाँ। कार्बन फाइबर में लीवर प्रोटेक्टर्स, कार्बन फाइबर लीवर प्रोटेक्टर्स, ओ माय गॉड क्या क्वालिटी है इस सामान का, वाओ। देन ये कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर लीवर प्रोटेक्टर से ये सामान आपको किसी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, फोल्डेबल
हैंडलबार मिरर्स। ओह हाँ हाँ हाँ, ये वो जीटी वगैरह पे लगाता है ना? ये फुल्ली फोल्डेबल होता है। ये फुल्ली फोल्डेबल है, ये बाकी नॉर्मल तो सबके पास आता ही है, सब सब में ये मिलता है ना, पर मेरे पास ये भी होगा। वाओ ये अच्छा लगा। ये दूसरा है, ये एकदम फैंसी, वो बाहर पे लगाता है ना मॉन्स्टर। ये सब इम्पोर्टेड है, सारा इम्पोर्टेड सामान है, बहुत ही हाई एंड क्वालिटी का है। फिर आपको ये सब मिल जाएगा, ये सब हैंडलबार, तो ये सब मिल जाएगा आपको। एक्सपल्स एक्सपल्स पे और जितना ऑफ रोड बाइक्स का, हाँ आपको बहुत कलर्स में मिल जाएगा, ब्लू ग्रीन फैंसी फैंसी। ये सब आपका है लीवर प्रोटेक्ट, हाँ हाँ हाँ, गियर सॉक हाँ, जूता गंदा ना हो ताकि, उसी के लिए है गियर सॉक। और वो भी दिखा दीजिए ना भैया एक बार, वो हेलमेट का वो स्ट्रैप माउंट। हाँ ये सब आप लोग यूट्यूबर्स के लिए मस्त है, दिखा देगा ना इसके बदली वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसने जैसा यहाँ फिट कर दिया है, ओल्ड जनरेशन ये है ओल्ड स्टाइल, और हमने लगाया हुआ है ये नया वाला। तो ये ऐसा आप लगा सकते हैं एंड ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। मार्केट में वैसे भी नया आया हुआ है गाइस, एंड इट्स रियली हैंडी। हेलमेट को भी गंदा करना नहीं पड़ता है, हेमसील भी लगाना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट फिट हो जाता है ये। जैसा आपको आरओटी ने कह दिया ऑलरेडी, हेमसील की जरूरत नहीं, हेलमेट गंदा करने की जरूरत नहीं, लगा लो ये स्ट्रैप माउंट। हेलमेट के साथ ये मिल जाएगा आपको हेलमेट, और ये जो ये सब मोहक वगैरह लगाते हैं ना उनको भी मिल जाएगा ये सब भी, हेलमेट के ऊपर लगाने वाला स्टिकर नहीं, ये क्या कहते हैं, शार्क स्पाइक्स ये मिल जाएगा। वाह ये देखिए सुपर बाइक का जो है विथ एलईडी वाला, ये जो सुपर बाइक स्टाइल, ये आपको जला के दिखा तो और मजा आएगा। हाँ ये भैया जला के दिखाने वाले हैं। कभी कभार इंडिकेटर दे के आदमी भूल जाता है कि इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं। इसमें आपको फ्रंट साइड से भी दिखाई देगा, इधर भी दिखा देगा ना, फ्रंट से भी पता चलेगा। हाँ इसका यहाँ पे भी कहीं कहता है, हाँ ये जो डॉट है ये आपका ब्लिंक होते रहेगा। हाँ और ये देखिए भी अच्छा है, ये फैंटास्टिक। क्या प्राइस है इसका भैया? कौन सा वाला अप्रोक्सीमेटली इसका? इसका आएगा आपका 2200 विद फिटिंग। 2200 विथ फिटिंग। हाँ ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, सामान खरीद के फिट करवाना भी अलग से चार्जेस लगता है। सो ये जो है 2200 में विथ फिटिंग है, ये जेन्युइन प्राइस है। CBR के लिए R15 वर्सन 2-3 सब के लिए जेन्युइन फिटिंग है। हाँ कुछ कटिंग वटिंग कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट प्लग एंड प्ले। यस बस, तो बढ़िया। ये सब आपको मिलेगा रेडिएटर ग्रिल। किस बाइक का भैया? हिमालयन का है, ये हिमालयन के लिए है रेडिएटर ग्रिल, क्योंकि उसका जो रेडिएटर है काफी बाहर रहता है। हाँ 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 हाँ, मैंने देखा है छोटा सा एकदम बाहर रहता है। कहीं पे भी ऑफ रोडिंग में जाओगे, बाइक गिर गया तो सबसे पहले कोई भी पत्थर रेडिएटर रेडिएटर में जाएगा, तो उसके लिए ये गार्ड बहुत यूजफुल है। एमटी के लिए मिल जाएगा, प्योरली स्टेनलेस। और ये है इसके लिए, ये है एमटी का एंड ये है हिमालयन के लिए। हिमालयन वाला भी बहुत डबल साइडेड प्रोटेक्शन है। सो यहाँ जो है सामान ही सामान है, दिन भर दिखाते रहूं तो ये सामान किसी के पास नहीं होगा। ओ सीएनसी, ये जो है पीछे टायर के ऊपर लग जाता है, ये हगर टायर, हगर वहाँ मेटल का है एकदम पूरा, सीएनसी का है ये। और यहाँ ऊपर पे नंबर प्लेट भी इसी के ऊपर लग जाएगा, तो फेंडर एलिमिनेटर नहीं लगाना तो ये लगा लो। यहाँ पे आपका इंडिकेटर का ऑप्शन है, ये लाइट का ऑप्शन है, ये नंबर प्लेट। कौन सा बाइक के लिए? यूनिवर्सल 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 है, यूनिवर्सल फिटिंग है आप कोई भी बाइक में। इसको मैंने लगभग ऑनलाइन पे देखा था एंड देन फाइनली अब यहाँ पे भी देख रहा हूँ। और आपका रेडिएटर गार्ड ना, रबड़ लगाया आप? वो क्या है, रबड़ नहीं लगाया, ये क्या है? ये आपका गियर शिफ्टर और ब्रेक शिफ्टर। ओ अच्छा अच्छा, रेसिंग फुट पेग्स। यस हाँ, फुट पेग विथ लीवर, विथ लीवर, विथ लीवर एंड ब्रेक एंड गियर। अच्छा बहुत सही। तो ये जो है ये आप रेसिंग के वक्त लगाते हैं पोजीशन चेंज करने के लिए फुट रेस्ट का, तो ये भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, ये सामान तो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए स्टेनलेस स्टील का कभी जंग नहीं लगेगा। और लेजर कटिंग में आता है ये। वाओ स्टोर का लोकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो है AIDC
जोनाली, तो जोनाली के ऑपोजिट साइड पे है ये नट्स एंड बोल्ट्स, खुद से आइए एंड सारा सामान जो है खुद से चेकआउट कीजिए। सो मेरा जो फेवरेट है, हॉट फेवरेट लगा मेरे को ये R15 V3 का ये R1 मास्क एंड ये पीछे का ये टेल लाइट्स, ये दोनों सामान जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो R15 V3 आपके पास है तो दौड़े दौड़े चले आइए, आपको भी मिल जाएगा फैंटास्टिक डील्स एंड दैट्स इट। तो इतना सामान दिखाया, इतना सारा कुछ दिखाया, तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे एंड स्टोर पे आना हो तो स्टोर का जो है फ़ोन नंबर एंड सारा डिटेल्स होगा डिस्क्रिप्शन पे। सो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। और जो लोग गुवाहाटी पर रहते हैं, ये है जू तिनाली के सामने जोनाली पे, ऑपोजिट टू AIDC। सो दिस इज इट एंड दिस इज मी TVC Moto Vlog साइनिंग ऑफ एंड hasta la vista, bye bye, peace out guys.